ठीक है, जब भी अब किस तरह के सेंटेंस देखते हैं तो ये क्या है, इससे पहले आपको पहचाना है कौन सा टेंस है, तो कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसको नेगेटिव बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या है, आई ये सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट में पहले ढूंढ के लिखना है सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर को समझो, पहले अपने को क्या देखना है सब्जेक्ट, इसके बाद देखना है इसमें से भर्ब कौन सा है, अभी मैं सबसे पूछूंगा और देखना यहाँ पे सेंटेंस तैयार हो जाएगा, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसे भर्ब लगाना है इससे पहले, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर लगाना है डू या फिर डज, इसके बाद लगाना है नॉट, इसके बाद हर, वर्ब हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है तब नेगेटिव बनेगा, क्लियर है। अब यहां पे हम छाटेंगे, इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, पहले वाला में मैं, तो यहां पे एस लिख लिए, आप लोग भी लिखिए अपने सेंटेंस में, एस लग गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या लगाना है डू और डस। अब हमारे पास आता है कि डू कब लगेगा और डस कब लगेगा, तो यहां पर फिर वही रूल आएगा, आई वी यू और दे के साथ डू लगाना है, क्या क्या, आई वी यू और दे, इसके साथ हमको क्या लगाना है डू, और डस किसके साथ लगेगा, बी सी डी और किसी का नाम ने, इसके साथ लगेगा डस। अब यहां पे देखो, यहां पर मैं है मतलब क्या हो जाएगा, आई, ये आई हो गया, इसके बाद क्या बोल रहा है, आई किसके साथ लग रहा है, क्या लग रहा है यहां पर डू, तो क्या हो जाएगा आई डू, फिर डू के बाद क्या लग रहा है, तो आई डू नॉट या फिर आई डोंट बोल सकते हैं, ठीक है, आई डू नॉट, इसके बाद क्या लग रहा है वर्ब, अब वर्ब यहां पर क्या है, जाता है यानी जाना, एक्शन वर्ड है, तो क्या हो गया गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बन गया, आई डू नॉट गो, अब कहां जा रहा है टू स्कूल, हो गया क्लियर, बन गया, Yes, sir. अब ऐसे ही इसमें से सब्जेक्ट क्या है, एक साथ बोलो, हाँ, तो हम तो यूज क्या बोलेंगे, वी, अब वी के साथ क्या लगेगा यहाँ पर देखो, डू 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 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या है, आप, इसके लिए क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट, यू, यू हो गया, अब यू के साथ क्या लगेगा, यहां देख लो डू लगेगा, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट रीड और स्टडी, यू नॉट रीड या स्टडी कर सकते हो, है ना, यू नॉट, यू डू नॉट डू कर सकते हो, कर रहे हो बोल, है ना, करना तब डू हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, व्हाट इज इट, वह लड़का है कि लड़की है, क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक के साथ क्या लगेगा, ठीक के साथ क्या लगेगा, डस, ही डस नॉट, तो क्या है वर्ब, क्या है, चलाना, साइकिल चलाना, राइट, ही डस नॉट राइड बाइसाइकल, बाइसाइकल,
वह चाय नहीं पीती है, क्या हो जाएगा? सी डस नॉट चाय को क्या करोगे? ड्रिंक। पीना को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। लेकिन चाय को ड्रिंक करके पीते हैं क्या? पानी जैसे गटगट गटगट चुस्की लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? टेक। सी डस नॉट टेक टी, ठीक है, उसको पीना पानी के लिए ड्रिंक होगा, दवाई वाई के लिए ड्रिंक होगा, लेकिन चाय के लिए टेक होगा। चाय को हम लोग लेते हैं। वे नहीं खेलते हैं, यहाँ पे क्या होगा? वे का दे, इसके बाद दे के साथ क्या लगेगा? टू लगेगी, डस क्या लगेगा? एक साथ बोलो पीछे, क्या हो जाएगा? दे डू नॉट प्लेइंग क्यों होगा? कहीं पर भी आई एन जी नहीं लगाया, देखो प्ले प्ले, दे डू नॉट प्ले। अभी हम फुटबॉल करो, वॉलीबॉल करो, जो करना है कर सकते हैं, है ना? अब क्लियर हो गया नेगेटिव कैसे बनाना है? अब आप लोगों को बनाना है 10 सेंटेंस। पहले हिंदी में लिखो, उसके बाद इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है उसको उसको से ढूंढ के लिखना है, कौन सा उसमें से हेल्पिंग वर्ब है इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे ना, इसके साथ क्या लग रहा है इसको लगा दो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू और डस, इसके बाद फिर वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले आप हिंदी में लिखो सेंटेंस, पहले इसको उतार लो, है ना?